प्रतीत होता है हम दक्षिण की ओर पहुंच चुके हैं। मूषक जी, अब तो हम ऋषि अगस्त्य के तप स्थल के निकट ही होंगे ना? प्रभु, ऋषिवर के स्थान के जितना निकट पहुंच रहा हूँ उतना ही भयभीत हो रहा हूँ मैं। क्यों, आप क्यों भयभीत हो रहे हैं मूषक जी? प्रभु, ऋषि अगस्त्य का तपोबल, उनकी शक्ति तो विख्यात है। मैं तो पूर्व में ही मूषक हूँ, अब कहीं उनके शाप से मैं चींटी ना बन जाऊँ। मूषक जी, व्यर्थ है आपकी ये चिंता, ऋषिवर आपको श्राप क्यों देंगे? प्रभु, आप उनकी पत्नी को उनके कमंडल से मुक्त करवा कर नदी में परिवर्तित करने जा रहे हैं, फिर भी पूछ रहे हैं कि वो श्राप क्यों देंगे? मूषक जी, किसी भी बड़े उद्देश्य को पूर्ण करने में संकट तो आते ही है ना, किंतु उन पर विजय पाने के लिए ध्यान सदैव अपने उद्देश्य पर ही रखना चाहिए, मार्ग में आने वाले संकट और कठिनाइयों पर नहीं। उचित है प्रभु, मैं प्रयत्न करूँगा। मूषक जी, हो रहे ऋषि अगस्त्य। प्रभु के कहने पर भी मैं भयमुक्त होकर ऋषिवर के निकट जाने का साहस ही नहीं जुटा पा रहा हूँ। मूषक जी, क्या हुआ, आपने अपनी गति धीमी क्यों कर ली? चलिए अब शीघ्र नीचे उतरिए। प्रभु, मेरा सुझाव मानिए तो आपको जो भी उपाय करना है यही ऊपर से कर लीजिए। प्रभु, शीघ्रता से हमारा कार्य संपन्न भी हो जाएगा, फिर नीचे जाने की आवश्यकता ही क्या है? मूषक जी, ये क्या कह रहे हैं आप? क्या ये विचार है आपका कि मैं ऋषिवर का कमंडल उठाकर यहाँ से ओझल होकर ये कार्य संपन्न करूँगा? उत्तम, अति उत्तम योजना है प्रभु। आप ना ऋषिवर का कमंडल उठा लीजिए, अपने हाथ में लेते ही उसे पलट दीजिएगा, हो गया कार्य पूर्ण, और इस प्रकार अति शीघ्र हमारे उद्देश्य की पूर्ति होगी, और जब तक ऋषि अगस्त के नेत्र खुलेंगे हम यहाँ से जा चुके होंगे। प्रभु, मूषक जी, हम यहाँ चौर्य कर्म करने नहीं आए हैं, हम सर्वप्रथम ऋषि अगस्त्य को उनके तप से बाहर निकालेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे उन्हें, और उसके लिए तो आपको सर्वप्रथम नीचे उतरना होगा। जी प्रभु। स्मरण रखिए मूषक जी, किसी अनुचित कर्म का विचार भी हमारे प्रयासों को निरर्थक कर देगा। क्षमा कीजिएगा प्रभु, मैं नीचे उतरता हूँ प्रभु। इतने दिव्य महान व्यक्तित्व वाले ऋषिवर अगस्त्य के दर्शन पाकर मैं धन्य हुआ आज। पुत्र, तुम्हें कावेरी नदी को मुक्त कराना होगा ताकि इसका जल जन जन तक पहुंच सके। ऋषिवर अगस्त्य का ध्यान मुझे भंग करना ही होगा ताकि मैं संपूर्ण वन्य जीव जंतुओं, वृक्ष आदि व मनुष्यों के प्राण रक्षित कर सकूं। प्रभु, जो भी करना है शीघ्र करिए ना, जिससे हम भी शीघ्र यहाँ से प्रस्थान कर सके। मूषक जी, ऋषिवर को उनके तप से बाहर लाने की उचित युक्ति का विचार करने दीजिए मुझे। युक्ति का विचार, अर्थात प्रभु, अभी तक कोई युक्ति, कोई योजना नहीं है आपकी? मूषक जी, बड़ी सूक्ष्मता से योजना पर विचार करने की आवश्यकता है, जो मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ और आप बार बार कुछ कहकर जिसमें बाधा डाल रहे हैं। यदि आपके पास कोई उत्तम योजना है तो आप क्यों नहीं बता देते मुझे, और यदि नहीं है तो मुझे शांति से विचार करने दीजिए। जी प्रभु। ऋषिवर का ध्यान कैसे भंग होगा? व्यवधान से प्रभु। व्यवधान से, अर्थात? हाँ प्रभु, तीव्र वायु प्रवाह से आंधी उत्पन्न करिए आप, आंधी। उचित है मूषक जी। जी प्रभु। क्षमा कीजिएगा ऋषिवर, किंतु मैं विवश हूँ, मुझे इस क्षेत्र के उद्धार के लिए ये आंधी उत्पन्न करनी पड़ रही है। प्रभु तो आंधी उत्पन्न कर रहे हैं, किंतु ऋषिवर के नेत्र खुलने पर कैसा बवंडर उत्पन्न होगा, किसे ज्ञात, छिपने में ही भलाई है। ये आंधी तो ऋषिवर तक पहुंचने ही वाली है, कहीं इस वायु प्रवाह की आंधी के स्पर्श से ऋषिवर के क्रोध का ज्वालामुखी ना फट जाए।
अब शीघ्र भंग होगा ऋषिवर का ध्यान। विश्वास है मुझे, गणेश सर्व समर्थ, किंतु फिर भी मैं सशंकित हूं, कहीं उसके साथ कुछ अप्रिय न घट जाए। गणेश का यह प्रयास सफल होने से अनेकों चिंताओं का अंत होगा। ऋषि अगस्त्य का क्रोध जागृत हुआ तो एक नवीन संकट उत्पन्न होगा। कैसी विकट परिस्थिति है, किसकी अधिक चिंता करूं मैं? इस बवंडर के टकराव से ऋषि अगस्त्य के ध्यान भंग होने की, अथवा बवंडर द्वारा इस कमंडल के गिरकर उल्टा हो जाने की, दोनों ही अवस्थाओं में गुरुदेव ऋषि अगस्त्य कहीं क्रोध में आकर गणेश को कोई श्राप न दे बैठे। तपोबल के धनी ऋषि अगस्त्य ने यदि श्राप दिया तो वह अकाट्य होगा। प्रतीत होता है ऋषिवर का कमंडल अब गिरने ही वाला है। ये क्या हुआ? ऋषिवर के चारों ओर स्वर्णिम सुरक्षा का घेरा कैसे उत्पन्न हो गया? याद करता हूँ, ये बवंडर तो इसी ओर लौट रहा है। हाँ प्रभु। भूषण जी सावधान। इससे रक्षित होना होगा। अब मैं कैसे बचूं? बवंडर को आकाश की ओर धकेल देता हूं मैं। हम रक्षित हो गए प्रभु। मूषक जी अब हम सुरक्षित हैं। अब ये वायु प्रवाह तो शांत हुआ किंतु प्रभु प्रभु इस बवंडर ने तो उलटकर मेरे ही दुर्दशा कर दी। हाँ मूषक जी, हमारा ये उपाय तो व्यर्थ हुआ, अब कुछ और सोचना होगा। और सोचना होगा? आप सोचिए प्रभु, मैं तो तनिक विश्राम कर लेता हूँ। इन टहनियों के प्रहार भी विद्युत के प्रहार समान प्रतीत हो रहे थे मुझे। विद्युत सुनाना आपने प्रभु, विद्युत। हाँ हाँ, आपने अभी कहा था कि जैसे आपको लगा विद्युत प्रहार हो रहे हैं आप पर। नहीं नहीं प्रभु, मैं ये कह रहा हूँ विद्युत का प्रभाव अवश्य होगा ऋषिवर पर, उससे इनका ध्यान अवश्य भंग होगा। हाँ कदाचित ये उचित रहेगा मूषक जी। आशा है ये युक्ति कार्य करेगी। मैंने वायु का सुझाव दिया था तो विद्युत के समान प्रतीत हुआ था, अब विद्युत के सुझाव से कहीं अग्नि वार ना हो जाए मुझ पर, मेरा तो छिपना ही उचित है। ये विकराल मेघ उत्पन्न हो रहे हैं, अब आकाश तो काले विकराल मेघों से गिर गया है। ऋषिवर तो अभी भी ध्यान मग्न ही है, किंतु उनका ध्यान भंग होते ही मैं भी संकट में पड़ सकता हूँ। मेरा इस वृक्ष की आड़ से स्वयं को सुरक्षित करना ही उचित है।
प्रभु के समान मैं भी वृक्ष के ऊपर चढ़कर ही सुरक्षित हो सकूंगा। ये गणेश ने ये क्या कर दिया? विद्युत के प्रहार से ऋषि अगस्त्य अवश्य क्रोधित हो जाएंगे। पुत्र गणेश, तुम्हारी चिंता मुझे व्याकुल कर रही। वृक्ष से दूर हट जाना चाहिए। ये कैसे संभव है? ये विद्युत तो मेरी ओर ही आ रही है। विद्युत को अपनी ओर आकर्षित करता है, ये तो आपको भी ज्ञात होगा ना मूषक जी। हाँ प्रभु। मेरा मुख, मेरा सुंदर मुख, क्या हो गया इसे? देखिए प्रभु, मेरी सुंदर मुख पर कैसी काली मां छा गई है, मेरी सुंदरता विलीन हो गई। नहीं मूषक जी, आप तो पूर्व के समान ही दिखाई दे रहे हैं, आपको तो कुछ भी नहीं हुआ। मूषक जी, बवंडर और विद्युत तो ऋषिवर का स्पर्श भी नहीं कर सके, इनसे भिन्न कुछ और उपाय करना होगा मुझे। प्रभु, प्रभु गणेश की सारी योजनाएं असफल हो रही हैं। मुझे शंका है कहीं उसकी योजना का कोई भीषण परिणाम ना हो। ऋषि अगस्त्य अत्यधिक क्रोधित न हो जाए। गणेश की युक्तियां। अभी तक गणेश ने अपनी बुद्धि से उपजी युक्ति का कहां प्रयोग किया है और वही उसकी भूल है। बुद्धि का देवता है वो, उसे अपनी बुद्धि से युक्ति लगानी होगी, तभी सफल होगा वो। ऋषिवर को उनके तप से बाहर ला सकता है। हाँ प्रभु, मैंने विचार कर लिया है। नहीं मूषक जी, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे ज्ञात है आप मेरी सहायता करने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु अब नहीं। मैं आपके सुझाव लेता रहा, वो मेरी भूल थी, किंतु इस बार तो मैं अपनी बुद्धि की युक्ति पर ही चलूंगा। काग? प्रभु, मूषक जी, युक्ति तो मिल गई मूषक जी। यदि मैंने ऊपर से कमंडल तक पहुंचने की चेष्टा की तो ऋषिवर का सुरक्षा घेरा अवश्य मुझे रोक देगा। कदाचित मुझे नीचे से धरती के भीतर से कमंडल तक जाना चाहिए। प्रभु, प्रभु, आप लौट आए?
हाँ मूषक जी, लौट आया मैं क्योंकि मुझे आपको एक कार्य सौंपना है। आपको यहाँ से ऋषि अगस्त्य तक धरती में सुरंग बनानी है। सुरंग का निर्माण करना है ऋषिवर तक? हाँ मूषक जी, जिससे मैं सुरंग के मार्ग से ऋषि अगस्त्य तक पहुँच सकूं। विलंब मत कीजिए आप। जैसे आपकी आज्ञा प्रभु। यदि मुझे कुछ हो जाए तो स्मरण रखिएगा कि मैंने अपने प्राण न्योछावर कर दिए अपने स्वामी भक्ति में। मैं हूँ ना मूषक जी, फिर क्यों चिंता कर रहे हैं आप? आपको कुछ नहीं होगा, आप शीघ्रता कीजिए, अपना कार्य आरंभ कीजिए आप। जी प्रभु। मूषक जी, सुरंग का कार्य पूर्ण हो गया। प्रभु सुरंग तो तैयार है किंतु प्रभु ने तो मेरी बात ही नहीं सुनी। मैंने सुरंग तो बना दी लेकिन ऋषि अगस्त के भय से सुरंग के दूसरी ओर बाहर निकलने का छिद्र ही नहीं बना पाया। ये क्या, मूषक जी ने तो कार्य अधूरा ही छोड़ दिया। सुरंग से बाहर निकलने के लिए छिद्र मुझे ही बनाना होगा। ऋषिवर के कमंडल के गिरने से कहीं अस्त का अनर्थ ना हो जाए। विलंब उचित नहीं, शीघ्रता करो गणेश। स्थित हो गया। हाँ गणेश, यही युक्ति उचित है। अपने पंख से उलट दो कमंडल को, मुक्त कर दो मालोपा मुद्रा को। हाँ प्रभु उचित है, आपके पंख फड़फड़ाने से कमंडल गिर जाएगा। ऋषिवर का ध्यान भंग हो गया। कार्य में जब तक सफलता ना मिले तब तक प्रयास करते रहना चाहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।